मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को। जय बहु पियाने हो भस्मा शुरू मारो, धर लो भेष जनी को राजा, मत दे दान जमी को मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को। ये भस्मा सुर मारा सुंदर औरत बन गया। जय बहु रुपया हरना पुष मारो, तेरे पर बाबा किसी ने मारा। जय बहु रुपया हरना पुष मारो, बनियो शेर बनी को राजा बल, मत दान बनी को राजा बल, मत दे दान बनी को राजा बल, मत दे दान बनी को। बन बैठा है साथ तो लेता समाद, मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान जमी को राजा बल, मत दे दान बली को राजा बल, मत दे दान बली को। कहीं बन बैठा साध गौ लेता समाज, कहीं योगी कहीं नाथ कहीं जंगम झमेला है, कहीं करता है था राज कहीं फेरता मोहताज, कहीं ब्याह कहीं काज कहीं दूल्हा लबेला, कहूँ हिंदू कहूँ तुर्क कहूँ नूर कहूँ हुर कहूँ सूर कहूँ सुर्ख, कहीं गुरु कहूँ चेला है। जाको अंत है पार वेद पावे नहीं पार, है तो जे अकेला पर अनेक खेल खेला है। तुम इसे साधारण महात्मा न समझो, मना कर दो। राजा बल कहने लगे, महाराज चाहे तुझे विश्व के बिहारी हो, चाहे विश्व के भिखारी हो, चाहे जाल में डालबे को आए हैं या जाल छुड़ाने को आए हैं, कैसे भी हैं कुछ भी हैं, भेज चुके या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके उन्हें नहीं बदलेंगे। आ तो जो मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य समझ गए राजा को अंधोपन, जय खाई में खेचे ले जाए, जाए धन के मद में आऊंगा पीछो ना दिखा रहे, उसे मटिया मेट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। बामन भगवान कहने लगा, गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छूटेगा। सोए राजा बल बहलों को चले, तामे का पात्र लेने को, टोटी वालों सागर तामे को जल सेवन करते हैं, उसका जीवन सुखमय होता है। जब ये तांबे का पात्र लेकर के आए तो उसी समय शुक्राचार्य सोचने लगे, अब हम मेरी चलेगी तब तक संकल्प नहीं छोड़ने देंगे। संकल्प छोड़ने को हुए तो शुक्राचार्य टोंटी में घुस गए, पानी बाहर नहीं निकला। भगवान कहने लगे, पात्र में पानी क्यों निकल रहा है? राजा बल बोले, प्रभु पात्र तो अबे साफ करो जाने, इसमें क्या हो गया?
भगवान मन ही मन में कहन लगे जहाँ मैं कछु ना हो गो शुक्राचार्य भेटो हो गए जरा पात्र हमें दे। और क्या किया प्रभु ने कुशकी नोक चलाई दई जट पाई आंख फोड़ जाई कुशकी नोक चला कर बाई आंख फोड़ दई कोई लेत है तो कोई देत है तो कोई लेत है तो कोई देत है तो नहीं सो शुक्राचार्य ने बीच में चच्चू फोड़ा लिया निकल के भाग गए। भगवान से कहने लगे राजा बलि महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती जो कहीं नाप लो एकदम विश्व आकार में लीलाधर प्रकट हो गए। भूलोक का पता नहीं लगा आकाश अदृश्य हो गया इतना वजन बढ़ा लिया। स्वरूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और 3 कदम की गिनती में आए राजा बल पे सर्वांग पसीना छूट गया खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। कहने लगा आप भगवान बोले हम तेरे बाप प्रभु बोले खाता खत्म हुआ थोड़ी सी रकम और दे दो ले चुकाऊ दान में 3 कदम बस याद हो कदम और दे दो डगर पन घट की बड़ी कठिन है डगर पन घट की बहुत कठिन है डगर पन घट की बहुत कठिन है डगर पन घट की बहुत कठिन है डगर पन घट की डगर पन घट की डगर पन घट की कैसे भर दे जमुना से मटकी बहुत डगर पन घटकी बहुत कठिन है डगर पन घटकी बड़ी कठिन है डगर पन घटकी बड़ी कठिन है डगर पन घटकी। भगवान ने अपना बदन इतना बढ़ा लिया 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल सर पकड़ के बैठ गया कहने लगा आप भगवान बोले हम तेरे बाप खाता पूरा कर हमने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया आधा कदम कहां से देगा। राजा बल कहने लगे महाराज आप मेरी पीठ नाप लीजिए। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नपने से भी खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोला तो महाराज मेरी दुल्हन की पीठ नाप लो। भगवान बोले बाव भाई बाव ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ में चूल्हा धरवाएगी तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी। कहने लगे महाराज पथ बिरता शील सुबाबू धर्म को जाने पथ बिरता शील सुभाव धर्म को जाने
भाग्या को मेरी नाथ शब्द नहीं माने, मेरी स्त्री पति बिरता है। भगवान कान लगे औरत की असली सूरत तो अभी तक किसी नहीं देख पाई, और ये बिल्कुल सही है भक्तों, औरत का असली चेहरा अब किसी ने नहीं देख पाया। बता दूं आपको, तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं आधार वही मत भंग। औरत जोलो तुम्हारी नजर के सामने तोलो तुम्हारी, और पीठ के पीछे लगो राम मालिक को, तिरिया तेग हथियार जोलो तुम्हारे हाथ में तोलो तुम्हारो, दुश्मन के हाथ में चढ़ लो तुम्हारो कल जो फटक के बाहर फेंक दिए। तिरिया तेग तुरंग घोड़ी जोलो तुम्हारी जांग में तोलो तुम्हारी, बदमाश की टांग में गई गई ले गए। तिरिया तेग तुरंग गढ़ मकान चलो तुम्हारू कब्जा तो तुम्हारू दूसरो आयो फिर बाको, और जनता को संग जो जनता को भरोसो नहीं। पिछले चुनाव में सब चल जाए रहे अखिलेश मोदी अखिलेश मोदी, रात्रि भर में हुई मोदी मोदी मोदी, जब जनता पे भरोसा न करो। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं आधार भई मत भंग। औरत इसका चेहरा असली क्या है कोई नहीं जानता, जाओ पूछे राजा बल चले। राजा बल की दुल्हन को नाम है विंध्यावती, जो आंगन में गए जो अपने साजन को आता हुआ देखा, आबत देखे पिया मंगन बोहिया खुशी बई भारी, गए हाथ कंठ को ले गई रे प्राण भैया प्यार। हाथ पकड़ लो भीतर ले गई आनंद में आनंद, बिठा लिया पंखा करने लगी, चेहरा सुस्त देखा तो कहने लगी, हे प्राणेश्वर क्या बात है,
कहने लगे बामन अंगों का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरबज्जे पे आ गए। तेरबाचा भरगाग साढ़े तीन कदम धरती मांगी, गुरु ने भी मना किया, मैं नहीं माना, मैंने दे दी। उन्होंने बदन को इतना बढ़ा लिया कि तीन कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। हे प्राण प्यारी, हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, क्या तुम अपनी पीठ नपा सकते? आजकल की ये होती तो का कहती, हमें मैके में कर आओ, तुम भाड़ में जाओ। ये आजकल की, और तुमने देखा भी होगा लोग पहले की माता जो थी जो मांग भरो करती के बीच में थे, पूरी मांग भरो करती पूरी, और अब ने किनारे ते सिंदूर धर लेती और कहती होश में रहो न किनारू बहु धरो, ने किनारे सिंदूर धर लेती। जब राजा ने कहा कि मैं अपनी पीठ नपाने को तैयार है, तुम अपनी पीठ नपा दोगी तो कितना मीठा जवाब दिया, मैं तो सच कहूंगा लोगों ऐसी और है जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बड़ा किस्मत वाला है। क्या बोली इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर बांटियो। प्रभु से बताऊंगी, महाराज भक्तों को ऐसे सताते हो, उंगलियां पकड़ ली। धीरे धीरे रानी चले भरी दादा भर कलने पे पामर जगत चंप कलने पे भाई मेरे पांव भैया दादा सीढ़ियां पे बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन बोले यही है तुम्हारी पत्नी? हाँ, घर में बहुत देर करती, लेटो जल्दी। राजा पेट पर लेट गयो, रानी लेटी हो खड़ी हो गई। राजा बल बोले क्या बात है गोरी, अगर लेटने को इच्छा नहीं तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी क्या लगे प्रिया में लेट तो जाऊंगी, हमें प्रभु तो दो बातें कर लेंगे कर ले। देखिए भक्तों, शौहरत खोपड़ी में कितना मसाला,
भगवान के सामने आके बोली, प्रभु हमें एक बात बताओ। भगवान बोले, पूछो। धन बड़ो हो तो धनी। भगवान बोले, धनो धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता। रानी बोली, धनो धनी में कौन मालिक है कौन नौकर है। भगवान बोले, धन नौकर है धनी मालिक है धनी मालिक है। भगवान बोले, हाँ। रानी बोली, बोले तो तुम्हारा खाता पूरा हो गया। उन कैसे? रानी बोली, बस महाराज निश्चय मुक्तिरणी होगा। तीन कदम में धन होगा तो आधा कदम में धनी हो गया। खाता आपका पूरा हो गया महाराज। लोगों बात की बात में बातें काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान कहने लगे, धन्य हो देवी, तुमने हमें बचनों में ऐसा फांसा, मेरे होश बिगड़ गए, वरदान मांगो। रानी बोली, हमें कछना चाहिए, बे के चुले तो ले ले। और राजा के सामने आए भगवान, वरदान मांगो राजा बलि। राजा बलि बोले, हमें कछु नहीं चाहिए, कछु मांगे तो मांगे। और रानी के सामने भगवान आए, वरदान मांगो देवी। रानी बोली, महाराज हमें कछु नहीं चाहिए, कछु ले तो ले ले। अब तो भगवान को फुटबॉल बना लो। राजा बलि बोले, हे प्राण प्यारी, प्रभु को ज्यादा न परेशान करो, कछु मांग लो। रानी बोली, पिया इन पे मेरे प्रिया की पीठ न पाए, खूब मचाओ दंगा है, किन से मांगू मेरे सैया समझे हमारा सम्मान कहता है कि भिखारियों पर भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये तो खुद भिखारी जन मेरे दूल्हा के सामने होली फैलाई, जब मैं क्या मांगूंगी। भगवान के पलक नीचे हो गए। राजा बल बोले, प्रभु बुरो न मानियो, ये मौकी तो खरी है, पेट के साथ है। भगवान बोले, तो तुम मांग लो। बल बोले, महाराज हम जिधर नजर उठा के देखें आप हमें खड़े मिले। भगवान बोले, हे मस्तु, जो एवं मस्तु का भक्तो, राजा बल का जो महल बना उसमें 56 दरवाजा, 56 एकदम से। भगवान ने पहले दरवाजे में निगाह करी, भगवान पहले दरवाजे पर पहुंच गए। राजा बल ने पहले निगाह करी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, दसवां। अब तो चक्कर देने लगे। इधर नारद ने मैया लक्ष्मी को जाके बता दिया कि तुम तो यहाँ बैठी हो, प्रभु भक्त ने फांस ली है। मैया लक्ष्मी भाग गई और भगवान को भागते हुए देखा तो पूछने लगी, क्यों भाग रहे हो प्रभु? भगवान बोले, हम तो मशीन नहीं है, सुई है, मशीन उधर है। मैया लक्ष्मी जबकि नजर में तासीर है। राजा बल से कहा, भैया मेरे भैया को क्यों भगा रहे हो? एकदम से जवाब दिया, भाई और बहन का रिश्ता यहाँ चलाने आई हूं। उन्होंने कहा, अगर ये कहानी बताऊंगी तो तुम पे जवाब नहीं आएगा। मैया ने कहा, मेरे प्यारे भक्तों, राजा बल ने एक दरबार में निगाह रोकी, भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी कहने लगे, किसे लगाऊं दोष में, किसे करूं बदनाम, परखे तो पाए हमने अपने खोटे दाम, क्या जरूरत थी आपको? भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी, भगतन ने मोको नाना भांति नचायोरी, भगतन ने मोको नाना भांति नचायोरी।
जाएंगे राजा बलि, तुम्हें हम पाताल का राजा बना के भेजते हैं। मन चीती नहीं होते प्रभु चीती तत्काल, जा चाहते बैकुंठ को भेज दो पाताल। इस तरह से भगवान ने देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा की है भक्तों।